थेरेपी में आप लोगों का स्वागत है। आज मैं डोनट्स बनाऊंगी तो डिफरेंट स्टाइल में। इसको मैं सर्व करूंगी चॉकलेट सॉस के साथ। आइए चलते हैं डोनट्स बनाने। डेढ़ कप मैदा, आधा कप पिसी हुई चीनी, आधा कप दूध, एक अंडा का योक, दो टेबलस्पून बटर, डेढ़ छोटा चम्मच ईस्ट, तलने के लिए तेल, तीन चौथाई कप चॉकलेट, आधा कप फ्रेश क्रीम, दो बड़ा चम्मच हनी और दो बड़ा चम्मच बटर, डस्टिंग के लिए दो बड़ा चम्मच मॉल्ट पाउडर और दो बड़ा चम्मच पिसी हुई चीनी। ईस्ट को प्रूफिंग के लिए रखेंगे। पहले डेढ़ चम्मच ईस्ट एक छोटा से बाउल में लेंगे, उसमें हम थोड़ा दूध डालेंगे और चीनी डाल के मिक्स करके हम अलग से रख देंगे 10-15 मिनट। मैदा को मैंने छान लिया है। अब हम एक वेल बनाएंगे और ईस्ट प्रूफिंग के लिए रखा हुआ था, फूल गया है, और अंडा का येलो ये देखिए, मैंने बटर मिल्क और शुगर को मिक्स करके उसको थोड़ा गरम किया था जब तक बटर मेल्ट नहीं हो जाए। उस मिक्सचर को भी हम थोड़ा थोड़ा करके डालेंगे, फिर एक डोंग बनाएंगे। इसे हम गूंदेंगे। मैंने इसमें सॉल्ट ऐड नहीं किया है क्योंकि मैंने सॉल्टेड बटर का यूज किया है। इसे अच्छी तरह से हमें गूंदना चाहिए। रेडी हो गया है, तो बनके रेडी हो गया है। अभी इसे मैं बाउल में रखूंगी। थोड़ा डस्ट किया है मैदे से और इसे कवर करके डेढ़ घंटा तक रखेंगे। डेढ़ घंटे के बाद डो ऐसा फूल गया है। अभी मैं इसे थोड़ा गूंदूंगी। और इसे बेल के रेक्टेंगल शेप में काटूंगी। देखिए मैंने बेल दिया है, थोड़ा थिकनेस भी रखकर अभी इसे मैं रेक्टेंगल शेप में काटूंगी। डोनट को मैंने शेप करके रख दिया है। अब इसे हम 40 मिनट के लिए प्रूविंग के लिए रखेंगे। 40 मिनट के बाद डोनट और भी थोड़ा फूल गया है। अब इसे हम डीप फ्राई करेंगे। देखिए तेल गरम हो गया है। अब इस डोनट को हम एक एक करके इसमें तेल में डालेंगे। देखिए कैसा, देखिए फूल गया है, हॉलो हो गया, हॉलो है इसीलिए तैर रहा है। ये डोनट बन के रेडी हो गया है, दोनों साइड ब्राउन हो गया है। अब इसे मैं निकालूंगी अब्सॉर्बेंट पेपर में। डोनट फ्राई होके रेडी हो गया है।
अब इसे हम कोट करेंगे माल्ट पाउडर और पाउडर्ड शुगर से। गैस कर पर मैंने पैन रखा है, इसमें मैंने क्रीम डाल दिया था। अब इसमें मैं 2 चम्मच हनी डालूंगी। थोड़ा उबाल आने तक मैं उसे मिक्स करूंगी। ये हो गया है, क्रीम मिक्सचर हो गया है। अब इसे मैं चॉकलेट और बटर के ऊपर में डालूंगी ताकि चॉकलेट अच्छी तरह से मेल्ट हो जाए। रेडी हो गया है, देखिए माल्ट पाउडर और शुगर रेडी हो गया है। अब हम इसे एक एक करके कोट करेंगे। माल्ट पाउडर को मैंने और भी पाउडर कर दिया है, इसका टेक्सचर थोड़ा कोर्स था, और शुगर भी ग्रैनुलेटर, तो दोनों को पाउडर करके मैंने मिक्स करके रखा हुआ है। अब हम कोटिंग करेंगे डोनट को इसमें। देखिए ऐसा कोटिंग करना है क्रेक्सस पाउडर को। डोनट बनके रेडी हो गया है, इसे मैं सर्व कर रही हूँ चॉकलेट डिपिंग सॉस से। देखिए अंदर से बहुत सॉफ्ट है, खाइए।